after the lot of chest and chest disease cases, and most of the patient we are catering from the industries. तो जहाँ पे भी फैक्ट्रीज है, जितनी भी फैक्ट्रीज है उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो है ना केमिकल्स मटेरियल्स यूज होते हैं, और जो भी हमारे जो बीमित व्यक्ति है उन मटेरियल्स को हैंडल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, पैकिंग करते हैं, उनकी वजह से उनको कई तरह के रोग होने की काफ़ी संभावना होती है। तो हमारा बहुत टाइम पे ये फोकस रहता है कि जो भी हमारे ओपीडी के अंदर जो बीमित रोगी आता है उसको हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि जो मरीज़ हमारे पास आया है क्या उसको रोग उसके काम की वजह से लगा है, या कोई इन्फेक्शन है, या कोई और तरह की प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे कैंसर भी होते हैं जो बीमित आदमी जिस फैक्ट्री में काम करता है उस केमिकल को हैंडलिंग या प्रोसेसिंग करने की वजह से भी कैंसर होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को हम हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, और ऐसे केसेस को हमारे को नियमानुसार इंटीमेट करना पड़ता है। नोटिफाइएबल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें हर महीने में, हर क्वार्टर में हम हमारे मुख्यालय को इंटीमेट करते हैं कि इन इन मित्रों को हमने स्क्रीन किया और इनको अपने ऑक्यूपेशन की वजह से इस तरह के बीमारियां इनको हुई है, तो हम उनको किसी न किसी तरह का कुछ अल्टरनेटिव मोड उनको बताते हैं ताकि उनके आने वाले कल के अंदर ज़्यादा बीमारी नहीं बढ़े और वो अपनी आजीविका ठीक से कमा सके। श्री रामदार जी हैं जो 55 साल 60 साल के लगभग उम्र है इनकी, और ये मेरे पास 14 जनवरी को एडमिट हुए हैं। उस वक़्त इनको सांस की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, और इनको हमने भर्ती करने के बाद कुछ इन्वेस्टिगेट किया, पेशेंट स्मोकर भी रहे हैं, और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने ये पाया कि ये मरीज एक ILD नाम से एक बीमारी होती है उससे ग्रसित है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, और CT स्कैन वगैरह कराने के बाद अभी इसका हमने टोटल ट्रीटमेंट रिवाइज किया है और पेशेंट धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। हालांकि इनका इलाज काफ़ी थोड़ा लंबे समय तक चलेगा, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर रिवर्ट नहीं होता है। पेशेंट अगर ईमानदारी से इसकी पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लायंस अच्छा रहेगा तो बची हुई लाइफ में इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ हम देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रामतार मोर्य है, गाँव बाडरेज है, दौसा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। मेरे सास के प्रेम होने के कारण थोड़ा बहुत रिलीव पर चलता हूँ ना, जब थोड़ो सांस में। इनका नाम रोहिताज जी है, ये 60 साल के हैं, ये मेरे पास पिछले 6 दिन से एडमिट हैं। इनको भी हमने ILD डायग्नोस किया है, ये बहुत पहले कॉटन फैक्ट्री में काम करते थे, तो कॉटन फैक्ट्री में काम करने की वजह से इनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हुआ है, और इनका भी हमने CT स्कैन वगैरह करने के बाद इनका डायग्नोस किया है, और अभी हमने इनका ट्रीटमेंट चालू किया है। लेकिन अभी ट्रीटमेंट के फायदा आने में इनको वक्त लगेगा, लेकिन पेशेंट धीरे धीरे रेस्पॉन्स कर रहा है। मेरा नाम रोहतास है, मैं नेमरू छाड़े मेरा बच्चा रहता वहाँ रहता हूँ। मैं सांस की प्रॉब्लम थी मेरे को, और कई दिनों से कॉटन फैक्ट्री में पहले मैं काम करता था, 10-20 साल हो गए मेरे काम छोटी हुई, अब मेरे को सांस की प्रॉब्लम आ गई। अब मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मेरे को कुछ रिलीफ मिली। ESIC चिंता से मुक्ति।